अस्सलाम वालेकुम आर्मी चीफ साहब। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे इंसाफ दें। पिछले 5 साल से मैं इंसाफ के लिए दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, आपको लेटर लिख रहा हूँ। पिछले 5 साल से एक ब्रिगेडियर ही जनरल से ऊपर हो गया, एक ब्रिगेडियर ही आर्मी चीफ से ऊपर हो गया, कोई इंसाफ देने के लिए तैयार ही नहीं है। पिछले दिन आयशा ने मर के ये बता दिया कि हमारे माशरे में इंसाफ है ही नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ आप क्या चाहते हैं कि हम भी इंडियन आर्मी की तरह खुदकुशी करना शुरू कर दें? कल पाकिस्तान की खबर भी आई कि पाकिस्तान के आर्मी के एक सोल्जर ने खुदकुशी कर ली। आप ये चाहते हैं आर्मी की बदनामी हो, पाकिस्तान आर्मी की बदनामी हो? मैं तो नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है, क्या करूं। मेहरबानी है आपसे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा करें कि आप खुफिया एजेंसी के जरिए मुझे एक G3 की गोली अरसाल कर दे, मेहरबानी होगी आपकी। पिछले 5 साल से आपको लेटर, आपको दरखास्तें, GSQ का लेटर, दरखास्तें, सब कुछ कर रहा हूं, कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने तो पढ़ा था, मैंने तो सुना था कि ब्रिगेडियर जो है जनरल से नीचे होता है, जनरल के मुतहत होता है, लेकिन यहां तो उल्टा चल रहा है। ब्रिगेडियर जनरल के ऊपर है, आर्मी चीफ जनरल से, आर्मी चीफ ब्रिगेडियर से नीचे है, ब्रिगेडियर ही खुदा बना बैठा है, ब्रिगेडियर ही कुछ किसी को नहीं जानता कि वो इंसाफ दे सके। ये मेरी आखिरी वीडियो होगी, मेहरबानी है, मेहरबानी है, एक G3 की गोली अरसाल कर दें बस। अगर खुदकुशी करूंगा तो पाकिस्तान का नाम भी इंडियन आर्मी के साथ जुड़ जाएगा। शुक्रिया।